नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की पांच बड़ी खबरें। वसीम अकरम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। झारखंड में बैंक से 5 लाख रुपए की लूट। मध्य प्रदेश में कलेक्टर को 5 लाख की रिश्वत देने की कोशिश। श्रीलंका के पूर्व आवास मंत्री गिरफ्तार। सलमान खान के खिलाफ हथियार मामले में फैसला 18 जनवरी को। कराची के एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अकरम के खिलाफ यह वारंट एक मामले में पिछली 31 सुनवाइयों के दौरान अदालत में पेश न होने के बाद जारी की गई। हजारीबाग के छतरा मोड़ स्थित सहकारी बैंक में मंगलवार को मुंह को ढके कुछ हथियारबंद लोग घुसे और बंदूक की नोक पर बैंक प्रबंधक को बंधक बना लिया और बैंक से 5 लाख रुपए लूट लिए। मध्य प्रदेश में रिश्वत देने वालों के बढ़ते दुस्साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्योपुर जिले के जिलाधिकारी अभिजीत अग्रवाल को एक व्यक्ति ने मिठाई के डब्बे में 5 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। अग्रवाल ने फटकार लगाते हुए उसे डिब्बा लौटा दिया। श्रीलंका के पूर्व आवास मंत्री विमल वीरवांसा को मंगलवार को एक विशेष पुलिस इकाई ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। संसद के विपक्षी सदस्यों ने उनके मंत्री रहने के दौरान कथित तौर पर सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर सवाल उठाए हैं। अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जोधपुर की एक अदालत आग्नेयास्त्र कानून से जुड़े एक मामले में 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी। सलमान के वकील हस्तिमर सारस्वत ने कहा कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।